देश में लागू होती है। इस बात को मानना कि मुसलमान परिवारों में ज़्यादा बच्चे होते हैं, ये जानबूझकर ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि आने वाले समय में मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से बढ़ जाए और इसे एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। पहले तो मैं आपको दोस्तों बताऊं, इसके बारे में मेरे मन में बड़ा भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं कि ईसाई मिशनरी सबको ईसाई बनाना चाहते हैं ताकि ये देश ईसाई बन जाए। कुछ लोगों को डर है कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करके मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में भ्रम है, इसका फैसला आप पर ही मैं छोड़ देता हूँ कि ये मुस्लिम देश बनेगा या हिंदू देश बनेगा या ये क्रिश्चियन देश बनेगा या इसने धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बना रहना चाहिए, ये फैसला तो खैर आपका ही है। पर मैं एक बात जो आपके सामने रखना चाहता हूँ मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में, वो ये है कि पिछले 60 सालों में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, वो जनसंख्या वृद्धि खास तौर से दो लोगों की हुई है। एक इसमें है हमारे शेड्यूल ट्राइब्स। आज़ादी के समय शेड्यूल ट्राइब्स की जो परसेंटेज थी, शेड्यूल ट्राइब्स का जो प्रतिशत था, वो था 7.5। आज 60 सालों बाद ये प्रतिशत हो गया है 8.5। दूसरी जनसंख्या आती है मुसलमानों की। आज़ादी के समय मुसलमानों की जनसंख्या का प्रतिशत था 11.6। आज 2001 में ये प्रतिशत हो गया है 13.4। जैसे शेड्यूल ट्राइब्स में आदिवासियों में 1% वृद्धि हुई है, वैसे ही मुसलमानों के बीच में भी 1% वृद्धि तो हुई है। पर ये हमें 1.8% क्यों दिखती है? क्योंकि इसका कारण ये है कि 1991 तक की जनसंख्या गणना के आंकड़ों में कश्मीर के लोगों को शामिल नहीं किया जाता था, और आप जानते हैं कश्मीर के 80% लोग मुसलमान हैं। तो इसलिए जो जनसंख्या प्रतिशत है वो ऐसा लगता है कि अचानक मुसलमानों की जनसंख्या का प्रतिशत इतना बढ़ गया है। ये ज़्यादा बच्चे पैदा करना, कम बच्चे पैदा करना, ये किसी की राजनीतिक चाल नहीं है। हर एक परिवार में पुरुष और स्त्री मिलकर ये तय करते हैं कि उनका परिवार किस प्रकार से बनना चाहिए। किसी राजनीतिक निर्देश से लोग बच्चों की संख्या कम या ज़्यादा नहीं करना चाहते। ये अपने आप में एक बहुत शरारतपूर्ण बात कुछ लोग कहते हैं, जो मेरे ख्याल से पूरी तौर से गलत है।